अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं आटो कैट 2015 में लेसन नंबर 108। और आज के इस लेसन में हम एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो कि मैकेनिकल से रिलेटेड ऑब्जेक्ट है और उसमें सॉलिड एडिटिंग की कमांड्स हम यूज़ करेंगे। तो ऑब्जेक्ट कौन सा है जी, मैं आपको बता दूँ, ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, देख सकते हैं इसमें डायमेंशन वगैरह भी दी हुई हैं, देख सकते हैं डायमेंशन भी दी हुई हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिस पे हमने काम करना है। तो मैं अपने अब मैं ये ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ, तो उसके लिए मैं ऑटोकैड ओपन करूँगा, न्यू ड्राइंग्स। तो सबसे पहले देखें यहाँ से यहाँ तक जो लाइन इसने दी हुई है वो है 60 और उससे बाद यहाँ पे 60 है और उसके बाद ये जो ऊपर वाली लाइन्स हैं तो ये कितनी है जी, ये 30। यहाँ पे देखें यहाँ पे दिया हुआ इसने 30, सॉरी 30 डायमेंशन है और यहाँ से यहाँ तक जो लाइन है वो है जी 9, 9 और 12। इनको आप ऐड करके आप देख लीजिएगा कितनी बन रही है हमारे पास ये लाइन। तो 60 सबसे पहले है 60, एल इंटर F8 कितनी थी जी, 60 फिट है, सॉरी मैंने 60, एल इंटर 60 है और यहाँ पे ऊपर 9 है, यहाँ से ऊपर 9, नाइन चैम्फर है इसका। और यहाँ से हम देखते हैं जी लाइन कितनी बनती है, 12, 9 और 9 ही कर देता हूँ, देखते हैं फिर बाद में अगर कोई मसला हो तो मैं आपको बता दूँगा। 9 फिर 12 फिर 9, ओके, और यहाँ से यहाँ तक और इसको यहाँ से यहाँ तक ट्रिम करता हूँ, TR डबल इंटर, ओके, और यहाँ से जो है तो वापस मिड पॉइंट में एक लाइन लेता हूँ, एल इंटर करता हूँ, मिड पॉइंट में लाइन ली और इसको देखता हूँ क्या जी वापस, ओके। अब ये जो मिड पॉइंट में लाइन ली है तो इसमें हमारे पास 18 का ऑफसेट है एक यहाँ से यहाँ तक, तो ओ एंटर 18 इंटर, ओके। और अब इसके बाद जो काम है वो क्या है, वो आपके पास 7 का ऑफसेट है, तो 7 के लिए आपने क्या करना है, 3.5, 3.5 आप दें तो आपके पास 7 का ऑफसेट आ जाएगा। तो उसके लिए आप ओ एंटर 3.5 एंटर करें यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इसको ट्रिम कर दें, TR डबल इंटर, सेंटर वाली लाइन को डिलीट करता हूँ, ट्रिम करता हूँ इसको भी, TR डबल इंटर, बार बार ये ओपन हो जाता है, ओके। अब यहाँ से चैम्फर लेता हूँ, CH A एंटर, 9 एंटर, सॉरी CH A एंटर, तो मल्टीपल डिस्टेंस के लिए D एंटर कितना जी, 9 एंटर 9 एंटर, ओके। यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया हमारे पास काम। और अब एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे आपको यहाँ से यहाँ तक और इसने देखें 2 पॉइंट सर्कल एक लिया हुआ है, तो उसके लिए आपने 2 पॉइंट सर्कल लेना है, तो C एंटर 2P एंटर करना है यहाँ से यहाँ तक,
और इसको डिलीट कर दें, बाकी का ये जो इसे इसको ट्रिम करना है तो TR डबल एंटर। अब इसका जो मिड पॉइंट है इसमें से एक और सर्कल ड्रॉ करना है, तो वो रेडियस है आपका 7 है, देख सकते हैं 7 रेडियस है, तो 7 रेडियस ड्रॉ करना है। तो उसके लिए मैं सी एंटर करता हूँ, इसके मिड पॉइंट से यहाँ से रेडियस कितना है 7 एंटर करता हूँ। 7 रेडियस भी आ गया, तो हमारी तकरीबन यहाँ तक ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। यहाँ तक ड्राइंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसको 3D में लेके जाना है और 3D में इसको रोटेट करना है, तो उसके लिए मैंने क्या करना है, यहाँ पे SWR सिमेट्रिक व्यू में आता हूँ और अब मैं यहाँ पे देखता हूँ इसमें क्या क्या इसने क्या हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक 30 है, देख सकते हैं 30 का डिस्टेंस दिया हुआ है, और फिर उसके बाद यहाँ से 9 है। तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ कि मैं यहाँ से इस पे जो काम करता हूँ 30 प्रेस पुल कमांड यूज करता हूँ 30 एंटर, और ये जो एरिया है ये जो डिस्टेंस ने दिया हुआ ये कितना है उसके लिए प्रेस पुल कमांड यूज करता हूँ 9। और इस साइड पे भी जो दिया हुआ है ये भी इसने 9 ही दिया हुआ, तो प्रेस पुल कमांड यूज करता हूँ और 9 देखता हूँ कितना 9 है या हाँ 9 है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो गया है, और अब जो काम करना है वो क्या है जी, मैं इसको यहाँ से प्लास्टिक व्यू में लेके जाता हूँ। यहाँ तक हमारा सारा देखें काम कंप्लीट हो गया। अब जो काम है कि इस कॉर्नर को इसे जोड़ना है, तो उसके लिए आपने यहाँ पे क्या करना है, आप यहाँ से देखें फिल्टर में जाना है और एज पे क्लिक करना है, तो यहाँ से आपने ये वाली एज सेलेक्ट किया और इस एज के इस कॉर्नर से यहाँ से पकड़ना है इसको और इसको ड्रैग करके तो यहाँ पे नीचे इस पॉइंट में आके इसको जोड़ देना है। तो हमारे पास देखें ड्राइंग कंप्लीट हो गई है, देख सकते हैं। अच्छा एक काम गलत हो गया हमारे पास, कि ये जो हमारे पास ये जो है तो ये बिल्कुल स्ट्रेट है, लेकिन सिर्फ इसके ये जो कॉर्नर है सिर्फ इस पे काम हो रहा है, तो कंट्रोल जेड करता हूँ। उसके लिए आपने क्या करना है, आप यहाँ से इसे लेफ्ट व्यू में लेके जाएं इसको, राइट साइड या लेफ्ट साइड पे लेके जाएं, यहां से आपने एल एंटर करें इस कॉर्नर से लेके और इस कॉर्नर तक, एल एंटर, टॉप व्यू में लेके जाता हूँ इसको, मैं 3D पॉलीलाइन लाइन पे मैं काम करता हूँ। तो यहाँ से पॉलीलाइन है और 3D पॉलीलाइन पे क्लिक करता हूँ इस कॉर्नर से, इस कॉर्नर तक, फिर यहाँ तक। अब यहाँ पे प्रेस पुल कमांड यूज़ कर लें और इसको ख़त्म कर दें बस। तो आपका ऑब्जेक्ट देखें रेडी हो गया, देख सकते हैं आपका ऑब्जेक्ट रेडी हो गया। तो ये था जी आपका ऑब्जेक्ट जो कि अभी हमने ड्रॉ किया, तो आपको इस ऑब्जेक्ट की मदद से भी काफ़ी कुछ समझ आई होगी, और इससे पहले वाले जो ऑब्जेक्ट हमने ड्रॉ किए उनसे भी आपको काफ़ी कुछ
कुछ नॉलेज हासिल हुआ होगा कि आप मैकेनिकल ड्राइंग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं और इजीली कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।